रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज सुपौल पहुंचे, जहां उन्होंने सदर बाजार के गांधी मैदान में एनडीए के पक्ष में आयोजित जनसभा में शामिल होकर जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने लोगों से जदयू उम्मीदवार दिलेश्वर कामत को वोट देने की अपील की। अपने संबोधन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह विरोधियों पर जमकर बरसे, कहा कि राजद और कांग्रेस के लोग अपनी विश्वसनीयता और साख खो दिए हैं। ये लोग बिहार को फिर से लालटेन युग में ले जाना चाहते हैं, जिस पर भ्रष्टाचार के आरोप है वो लोग बिहार को बनाने का दावा करते हैं। वहीं उन्होंने कहा कि कुछ लोग हिंदू मुसलमान करने का आरोप लगाते हैं, जबकि दुनिया के 5 अरब देशों में हमारे पीएम नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान से नवाजा है। इस मौके पर कार्यक्रम में ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव, पीएचडी मंत्री नीरज बबलू सहित एनडीए के नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। वहीं अपने संबोधन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोगों से जदयू उम्मीदवार दिलेश्वर कामत को वोट देने की अपील की। तो लगातार चल रहे हैं यूक्रेन, इसकी तरफ से भी मिसाइल बम तो बोले लगातार चल रहे। भारत के लगभग 30,000 बच्चे यूक्रेन में पढ़ाई कर रहे, 30,000 बच्चे उनके माता पिता बहुत परेशान हो गए और परेशान होकर प्रधानमंत्री से मिले। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री जी चाहे जैसे भी हो हमारे बच्चे को यूक्रेन से आप बाहर निकालिए, लेकिन कब कोई बड़ा हादसा हो जाए कुछ कहा नहीं जाए। मेरे बहनों भाइयों, हमारे प्रधानमंत्री ने चटपट रूस के राष्ट्रपति मिस्टर पुतिन से बात की, जेलेंस्की के और साथ ही यूक्रेन के राष्ट्रपति मिस्टर जेलेंस्की से बात की। 4.5 घंटे के लिए युद्ध रुक गया और 22,000 हमारे बच्चे यूक्रेन से चलकर भारत आ गए। यह है भारत। यह है भारत। इसलिए हम आपसे वोट मांग रहे हैं।